वेलकम टू द चैनल माय फ्रेंड्स। तो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो वंदे भारत एक्सप्रेस है और मैं इस पर फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ। सो आई नो मेनी पीपल, बहुत लोगों को जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है क्या होगा, कैसा है ये ट्रेन, इसके अंदर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है। सो विल टॉक अबाउट वंदे भारत इन दिस स्मॉल वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे हुए हैं, बुकिंग नंबर E1। E1 का किराया है 3300 रुपीज़, नॉर्मल AC का किराया है 1700 रुपये, सो डबल का फर्क है। और आई थिंक किराए में खाना भी इंक्लूडेड है। तो फील तो अच्छी है ट्रेन की, बहुत ही अच्छी फील है। देखते हैं जर्नी कैसी होती है। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मुझे बहुत मज़ा आता है बारिश में ट्रेन में ट्रैवल करना, खासकर ऐसे कंपार्टमेंट में जहाँ पर यू नो ग्लास विंडो होती है, आप बाहर देख सकते हो बाहर की बारिश, बहुत अमेजिंग। अभी खाली है, खड़ी है गाड़ी, आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। तो वॉशरूम तो नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। हाँ, वो फ्लश का बटन इलेक्ट्रॉनिक है, लाइट जल रही है, बस ये एक अच्छा डिफरेंस है। अगर नॉर्मल है वॉशरूम, बिल्कुल वॉशरूम तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको ऊपर जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड में बीच बीच में आपको ट्रेन की स्पीड भी पता चलेगी, आप ट्रेन की स्पीड भी देख सकते हो। जैसे कि अभी चला गया 10 मिनट में, देखा आपने ट्रेन की स्पीड भी तो चल रही है यहाँ पर बोर्ड पे, सो वेरी इंटरेस्टिंग। शुरू होते ही हमें मिला था वो स्नैक, और स्नैक के बाद 7:45 पे, मतलब अराउंड 3 and 5 घंटे में हमें अभी ये सूप मिला है, नॉर का टोमेटो चटपटा सूप, अच्छा था। तो गुड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट वंदे भारत एक्सप्रेस इज दैट इसमें खाना अलग से नहीं मिलता आपको, यू कैन नॉट बाय द फूड। आपको स्नैक मिलेगा, उसके बाद सूप मिलेगा 7:40, अगर 3 o'clock ट्रेन छूटती है, 3
3 o'clock छूटने के बाद आपको स्नैक मिलेगा, 7:45 आपको सूप मिलेगा और 8 o'clock आपको डिनर मिलेगा। इसके अलावा आप खाना नहीं खरीद सकते, दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर भूख लग भी रही हो तो नहीं खरीद सकते, इसलिए आप खाना पैक करके लेके आओ, घर से लेके आओ और यहाँ बैठ कर खाओ। हमें तो बहुत जोर के भूख लग रही थी तो हमने फिर अभी सूप पिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर दी डिनर, देखते डिनर कैसा होगा। सो दिस इज हाउ द फूड लुक्स। ये बॉक्स है खाने का, इसमें चावल है, ये सोन पापड़ी है और ये दही है। लेट अस ओपन, और ये सील है, यहाँ से सील है। रोटी है, ये स्पून्स हैं और ये सब्जी, ये सब्जी है, ये दाल है, ये नवरंग का अचार और ये कॉर्न और मटर। सो दिस इज हाउ द फूड इज लुकिंग खोलने के बाद। सब्जी है, एक दाल है और एक कॉर्न ये है। तो खाना खा के देखते हैं कैसा है। खाना ख़त्म हो गया है और अब खाने पर वर्डिक्ट, खाना ना अच्छा था ना ख़राब था, ओके ओके था, ठीक है। और हमें तो ऐसा मिला है इस बोर्ड में, जो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव वाला है, 1700 टिकट है, उनको पूरे प्लास्टिक का जो बॉक्स है उसमें मिल रहा है खाना। तो ठीक है, नॉट बैड, काम चला हुआ। खाने पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। ये ट्रेन में 5 साल से कम बच्चों का टिकट नहीं लगता, ठीक है। उनके पर डिटेल डालते हो आप, उनको सीट अलाउड नहीं होती और उनको खाना भी अलाउड नहीं होता है। तो अगर आपके साथ कोई बच्चा है, मेक श्योर उसका खाना ले लो आप, नहीं तो जो आपका खाना होता है आपको बच्चे से शेयर करना होता है। 3 रोटी, थोड़ी देर चावल, दाल और पनीर की सब्ज़ी मिलती है और एक मटर और कॉर्न की सब्ज़ी, वो एक बंदे का पेट भी नहीं भरेगा। तो अगर आपके साथ बेबी है तो वो खाना शेयर करेगा, आप दोनों का पेट नहीं भरेगा। और चावल थोड़े से सख्त हैं तो बच्चों के लिए कुछ खास वो है नहीं, बच्चों के लिए सॉफ्ट चावल होते हैं। तो अगर 5 ईयर्स के बिलो बच्चा है आपके पास है, 5 साल के नीचे का बच्चा है, तो उसके लिए खाना कैरी करिए इस ट्रेन में, वो मिलना मुश्किल है। इनके पास डब्बे काउंटेड होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, ना आप खरीद सकते हो। सो प्लीज़ कैरी फूड फॉर योर बेबी। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड। वंदे भारत बहुत लेट नाइट पहुँचती, 11 बजे पहुँचती दिल्ली, और मैं रेलवे स्टेशन से सीधा एयरपोर्ट गया था अपनी मॉम को पिकअप करने। सो इस वीडियो का क्लोजिंग उस टाइम नहीं शूट कर पाया, अभी घर वापस आया हूँ तो एंडिंग शूट किया है। सो इन केस यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। वो जो नीचे लाल वाला बटन है, प्लीज़ प्रेस इट। एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल। Bye 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 b